नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न 2 करने जा रहे हैं। बच्चों, प्रश्न है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। परिकलन से इस बात की जांच भी कीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का। मैं आपको वैसे रफ में बता देता हूं कि हमें करना क्या है। एक वृत्त छोटा बनाना है इस प्रकार से और एक वृत्त बनाना है बड़ा। दोनों का केंद्र एक होगा। बड़े वृत्त पर किसी भी एक बिंदु से छोटे वृत्त पर इस प्रकार से 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। असली काम सिर्फ इतना है, बाकी ये होगा कैसे वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचकर और उसका एक वृत्त बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। ये हमने लिया 0 और ये लिया है 4। ये एक रेखाखंड बन गई। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी एक प्रकार लेंगे और उसे इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर खोलेंगे और एक वृत्त की रचना करेंगे इस प्रकार से। ये 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त आ गया। इसका हम नाम लिखते हैं। देखिए, ये है O, यह बिंदु है A और यह है 4 सेंटीमीटर। और बच्चों, इसके साथ ही हम छह सेंटीमीटर त्रिज्या भी ले लेते हैं, तो वो भी हम यही ले लेंगे। यह है 4 सेंटीमीटर और यह आ गया है 6 सेंटीमीटर यहां पर इस प्रकार से। इसी को हम आगे बढ़ा देंगे तो ये बन गया 6 सेंटीमीटर। अब हम अपनी प्रकार खोलेंगे 6 सेंटीमीटर की। इसके लिए मैंने एक अलग कलर यूज किया है। आपने सभी काम पेंसिल से ही करना है बच्चों। मैं कलर इसलिए, स्केच पेन इसलिए यूज करता हूं ताकि आपको वीडियो में दिखाई दे जाए। पेंसिल दूंगा तो आपको वीडियो में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बहुत हल्का हल्का दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी एक वृत्त खींच लेना है। ठीक है बच्चों, और इस बिंदु का हम नाम लिख देते हैं बी। अब प्रश्न ये है, प्रश्न के अनुसार इस बिंदु बी से छोटे वाले इस ऑरेंज वृत्त पर हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। आपको याद है ना, स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए हमने क्या किया था बच्चों? स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए हमने जिस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचनी है उसको वृत्त के केंद्र से उसका हमने लंब समद्विभाजक बनाया था, यानी ओ बी का लंब समद्विभाजक बनाएंगे। और उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम आधी से ज्यादा प्रकार खोलेंगे। ठीक है बच्चों, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे, इतनी ही त्रिज्या से बी पर रखेंगे और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि ये चापें हिलनी नहीं चाहिए, ये त्रिज्या हिलनी नहीं चाहिए। जितनी प्रकार खोलिया उतनी खुली रखनी चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा थी, या अगर पेंसिल से जब करेंगे तो रबड़ से मिटा भी सकते हैं। अब अगला काम क्या है, स्केल का प्रयोग करेंगे। ये दोनों चापे आपस में जा मिल रहे हैं इस बिंदु को, और ये दोनों चापे आपस में जा मिल रहे हैं इस बिंदु को, इन्हें हम स्केल की मदद से आपस में जोड़ देंगे। ये लाइन हमें बाद में नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसको डॉटेड बना रहा हूं इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इससे हमें प्राप्त क्या हुआ बच्चों? इससे हमें O और B का मध्य बिंदु प्राप्त हुआ। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं M, जैसा कि हमने पिछले में भी किया था। अब हमें क्या करना है, OM या BM दोनों में से कोई भी ले लो, M को केंद्र मानना है। ठीक है, और त्रिज्या खोलनी है MO के बराबर या MB के बराबर, और हमें एक वृत्त बनाना है इस प्रकार से। छोटा वृत्त बनेगा, ये ओ से भी पास हो रहा है और बी से भी पास हो रहा है।
अब आपने बच्चों ध्यान से देखना है, यह जो छोटा वृत्त आया, यह पहले वाला जो वृत्त था छोटे वाला ऑरेंज कलर का, इसे छोटा वृत्त ये वाला जो अभी खींचा है, यह ऑरेंज वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर मीट कर रहा है। देखो कहां मीट कर रहा है, एक तो यहां मीट कर रहा है और एक यहां मीट कर रहा है, कर रहा है ना। देखो हरे वाला और ये छोटे वाला, बड़े वाले की बात नहीं हो रही, ये अभी जो छोटा वृत्त खींचा और ये ऑरेंज वाला, ये देखो ये दो बिंदुओं पर, ये दो बिंदुओं पर मीट कर रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम बी से मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम बी बिंदु के साथ मिला देंगे। अच्छा, इस बिंदु का नाम लिख देते हैं एक्स, इस बिंदु का नाम लिख देते हैं वाई। तो बी को एक्स के साथ मिला दो और बी को वाई के साथ भी मिला दो। इससे क्या होगा बेटा, बच्चों इससे क्या होगा, बी से हमने ये जो छोटा ऑरेंज वाला वृत्त है इस पर दो स्पर्श रेखाएं बना दी हैं। यही हमें करना था ना, कि हमें स्पर्श रेखाएं बनानी थी। ठीक है बच्चों, तो हमने स्पर्श रेखाएं बना दी। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे मैं फटाफट से बोल के आपको समझाऊंगा, लेकिन लिखने आपने स्वयं है। ठीक है बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो स्टेप्स, ये स्टेप्स आपने बच्चों जरूर लिखने हैं, बिना स्टेप्स के आपको फुल मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हमने OA 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया, फिर हमने OB 6 सेंटीमीटर लेकर एक और वृत्त बनाया, उसके बाद हमने O को B से मिलाया। जैसी भी भाषा में आप लिखो बच्चों, लेकिन समझ आना चाहिए कि आपने किया क्या है। फिर हमने क्या किया था, OB का लंब समद्विभाजक, तो हम लिखेंगे OB का लंब समद्विभाजक बनाओ, जो कि OB को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता हो, ऐसे लिखना है आपने। उसके बाद M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर एक ऐसा वृत्त बनाओ जो कि O और B दोनों से होकर गुजरता हो। तो यह छोटा वृत्त आ गया। यह वृत्त पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, उन बिंदुओं के नाम लिखिए X और Y। अगला स्टेप, BX और BY को मिलाओ। अगला स्टेप, BX और BY पहले वृत्त के की दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमसे कहा गया है कि उनकी लंबाइयां मापिए, यानी BX और BY मापिए। तो आइए माप के देख लेते हैं हम। देखिए, ये हमने BX को मापा तो ये हमारे पास आ रहा है अराउंड 4.5 सेंटीमीटर, और BY को भी मापेंगे तो ये भी आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख देंगे BX बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BY बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपने लाइन स्टेप्स में ये सारे स्टेप्स आपने लिख लेने हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर अन्य प्रश्नों को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।